शहीद बाबा जोरावर सिंह फतेह सिंह बुढ़ा बापू बाबा दीप सिंह उन्हों का काम आ शहीदों का काम है गुरबाणी का काम है गुरु ग्रंथ साहब महाराज का प्रताप आ गुरु रामदास के घर का वड्डा माण आ आप आए हाँ भराओ सोक सत्थर बेदबीदान साहब जे किसी कल्ले वीर ने बोलना भी आ पाबंदी नहीं हैगी उत्ते छावें खड़ के बोलो धुप च मुड़क आ जाता हों गल कई बार गलत हो जाती है छावें खड़ो आराम नाल जिन्नियां मर्जी स्टेटमेंटा दे चलो परंतु कोई ये खेचल ना करे भी ये खरिया शाम नूं मुक जाना खरिया घंटे कते ही मुक जाना ये मुकना उदों ही आ जदों कानून दे तरीके नाल चंदू दे वारसां दे नक विच नकेल पै गई बड़े बड़े गुरसिख बैठे आ इन्होंने अरदास करने भी नहीं सवेरे डकिया बड़ा बड़ा कुछ आ गुरु रामदास दे करे वह चाहते अंदरों परंतु वह कानून में बजे हुए आ बेचारे बजे हुए आ बड़े बड़े अरदासा करते थोड़े नाल गुरु ग्रंथ साहब खातर सो इस करके प्यारियो जे किसी जथे ने भी बोलना इतने सिंह ने बोलना बोल भी सकता आ परंतु जिहड़ी इत्थों बाबा दरबाग सिंह जी बलबीर सिंह जी मुच्छल साहब लखबीर सिंह जी मालम जी प्रोफेसर बलजिंदरपाल सिंह शायद कम पै गया हुण आए नहीं जिहड़े जुम्मेवार 11 7 उत्थे सिंह सीगे ते उन्हां चों 5 दा जरूरी आ ओह जिहदी ड्यूटी लाउणगे ओह स्टेटमेंट दऊगा उहनूं आखरी मन्निया जावे ते पर एक मैं बेनती सिंघां नूं कह दिया भी स्टेटमेंट कादी देनी आ जदों कम बणूगा फिर वेखांगे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जिवें कि तुहानूं पता लग गया भी 7 मैंबरी कमेटी दे विच कौण है और जो उह तुहानूं फैसला देणगे आपां नूं एक वारी आगूआं ते भरोसा करना पैणा है मैं मानता वा कि पहला सानू आगुआ वालों निराशा मिलती रही है नो डाउट ये सच है असी आ 2-3 दिन पहला की गल है लोहान पिंड पै जाता बुदकी दे लागे उत्थे सां मैं सी वीर सुखजीत सिंह खोसा सी साडे वीर लखवीर सिंह जी महालम सन भाई अमरीक सिंह जी सन सारे असी उत्थे सां जदों लगे ना सिरोपा पाउण दे लई कहिंदे वीर सुखजीत सिंह खोसे दा सन्मान ते मैं एक वारी हत्थ फड़िया सी भाई अमरीक सिंह दा इत्थे बैठे ने मैं कहा आगुआ दा सन्मान जदों मोर्चियां नूं एक सही दिशा वाल लैके जाते हैं ना मैं क्या उदू बाद होंदा उदू पहला नहीं होया करता सो इन्हां ते आपां नूं एक बारी भरोसा करना पैना ते इह सानूं की रिजल्ट देंदे ने उह अगलियां गल्लां ने ते मैं छोटी जिही बेनती करां वीर सुखजीत सिंह खोसा ने गल कही सी कि जंदे लग गए चलो खैर जो कीता चंगा कीता असीं किसे नूं माड़ा नहीं कहिंदे पर एक चीज़ चेते रख्या जे जदों धन गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज दरबार साहिब दर्शन करन दे लई आए सी ना ते उस समय दे काबज महंतां मसंदा ने दरबार साहब नूं जंदे लाए सन भी ये कितने कब्जा ना कर लैन ते गुरु पातशाह जी ने कहा सी नह मसंद तुम अमृत सरिए तृष्णा अगन ते अंदर सड़िए तुसीं अमृत सरिए मसंद नहीं हो सकदे तुसीं अंदर सड़िए हो सकदे हो ते मैनूं लगदा भी गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जी दे वारस आज तुसीं सारे अज फिर आए हो ते जंदे लाउण वाले किन्हां दे वारस ने उह हुण तुहानूं पता ही लग गया इस करके सारियां गल्लां जिहड़ियां इशारे मात्र कुछ गल्लां करवा लिया करो ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵੇਕ ਹੈ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਨਾ 3 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਵੀ 3 ਲੱਖ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਾ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਿਸ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਬਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕੇ ਬੜੇ ਥੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਬੇਫਿਕਰੇ ਗੋਜੋ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਆਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਆਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਆਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਐਸ ਟੀ ਪੀ ਸੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਸਾਰੀ ਐਸ ਟੀ ਪੀ ਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਵਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਮਰਾ ਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ 2-2, 3-3 ਕਮਰਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਫੇਰ ਚੱਕਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਛਲ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਗੂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
बेनती है कि अज आप एकत्र होए हाँ एक मोर्चे के रूप में आप नहीं बैठे इन्होंने सानू बिठाया है जिहड़े प्रबंध लैके बैठे ने फौजदारी परचियां का ऐलान कर दिता एक दिन बीतिया दूजे दिन बदल गए छोटे ने कहा होगा कि कोई गल नहीं तुम मेरा परचा मेरे से दर्ज कराने लगे जी तो भी मैं सारा जाहिर करूँगा मीडिया के उन्होंने कहना चलो गल थप दीए गलबात धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की साड़ी मंग एक जिन्हिया भी जिथे जिथे प्रसा लगिया हुई ने क्योंकि पावन पवित्र गुरबाणी मनमुख न जीवन दिंदी है गुरसिख बना दिंदी है हरिमंदर साहब विच बाहरले देशों तो बहुत लोग आते ने जेडे आण के कहते हैं कि इत्थे आण के सानू मन नू शांति मिलती है क्योंकि इत्थे गुरबाणी का कीर्तन हुंदा है अमृत वेले प्रकाश हुंदे ने सतगुरां दे लोग दूरों दराडिया तो आ सतगुरां नू नमस्कार करके खुशियां लैके जांदे ने उही सतगुर की पावन पवित्र गुरबाणी भावें एक ओंकार है भावें सतनाम शब्द है तो गुरबाणी मेरे को पोथी आई भाई हरप्रीत सिंह जी मखू साहब जी पहला भाग वीक दिन भाई जेडे सुखदेव सिंह जी भूरा कूना वाले ने इन्हों सुखदेव सिंह जी मिले आण के जरा पोथी लेके गया कि भाई साहब आप पोथी ली है उस पोथी के बहुत गुरबाणी की वाद काट कुछ अंग नहीं लगे उन्होंने तो गुरबाणी की संथ्या से उन्हें तो वो आण के पोथी वापस करके ने तो मैनू उन्हें लिख के भेजा है सारा मेरे को डिटेल है असी फौजदारी परचे की गल की केंद्र कालिया कागजा च लिखा जाना कि श्रोमणी कमेटी के अहदेदारा परचा होया है मैं इन्हों पुछना चाहता वा कि गुलारा चौंकी लग गया इतने इन्होंने ही अहदेदारा ने सकत्र साहब प्रधान वालों किन्या मुलाजमान के उत्ते एफ आई आर दर्ज कराइया ने मैं एक सेवादार की बेनती करा कि जाके तुसी गुलारे दे विचों एफ आई आर लै आओ इन्होंने सीमेंट सीमेंट घबड़ा किया परचा दर्ज करवाया इतों ही दफ्तरों गया जेकर एक ने जाली सर्टिफिकेट ला के ते अपनी नौकरी ली उत्ते भी 420 का परचा दर्ज कराया तो जो असी गल करते हैं कहते असी हिम्मत रखते हैं हिम्मत अपने वास्ते रखते जे तो जोड़ा छोटा मुलाजम वोदा परिवार भी नहीं देते जी धारा नहीं लगती वह भी ला देंगे वह भी लवा देंगे ने तो मैं बेनती करा कि साड़ी एक ये मंग है कि धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह की छपाई पूर्ण तौर पर बंद की जाए 7-8 यो एक प्रश्न लिख के इन्हे अगे तो थोड़े अगे रख रहे हैं कि सतगुरों की पवित्र गुरबाणी भावें कोई प्राइवेट प्रेस है वह भी पूर्ण तौर पर बंद की जाए इन्हों को समर्था है करन दी पर सब तो पहला ये अपनी प्रेस से पाबंदी लावन कि अज जे प्रचारक पिंडा दे विच एक प्रचारक की स्टेटमेंट आई कि सानू इन्होंने कहता हर एक प्रचारक हफ्ते दे विच सानू रिपोर्ट भेजन कि किन्ने एक थाने विच गुरु घर ने ते किन्ने गुरुआ घर दे विच धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी ने ते प्रचारक ने बाहां खड़ियां करतियां असीं एक हफ्ते च नहीं दे सकदे अज चेता आ गया इन्हां नू पता सारा ही है इन्हां नू वडभाग सोधे डेरे किन्ने धन गुरु ग्रंथ साहिब जी ने जो साल बाद प्रकाश हुंदे ने पता सारा ही है जिहड़े पंजाब दे विच डेरे ने जिहड़े लड़ियां आरंभ कराउंदे ने मैं बेनती करा सारी संगत नू कि जिहड़ी पवित्र गुरबाणी भावें अखबारां ते छपदी है गुरबाणी पैरां च रुलदी है असीं इह रुल नहीं देवांगे सानू बचन सुनाया कि महाराज रणजीत सिंह जी ने जथेदार बाबा गजन सिंह जी कहिंदे कि उन्होंने सेवादार रखे हुंदे सन पिंडां विच भेजदे सन पंजाबी मां बोली जिहड़ी पैरां च पई हुंदी सी उन्हां नू लै करके एक जगह ते संस्कार करके उन्हूं जल दे वगदे पाणी जां खूह च जल प्रवाह कर दिंदे हुंदे सन ये तो वह सतगुर की बाणी आई जी धुरों आई है
जिहड़ी जीवन दिंदी है ते असीं चाहुंदे आ इह साडी कोई होर मंग नहीं है कि तुसीं इह अहुदे छड्ड के ते घर नूं चल जाओ। नहीं नहीं, असीं संभालना चाहुंदे आ, संभालो तुसीं, पर जिहड़े दोषी ने ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਪਾਈ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਜੇ ਇੰਨੀ ਵੀ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਢਿੱਲੇ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਕੱਢੋ ਆਵਾਜ਼, ਮੱਥਾ ਕਿੰਨਾ ਨਾਲ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। पया लोग विडारण जाए, गहला लोग ना जानदा हंस ना कुदरा खाए। जे हंस किसे दे खेत विच चला जावे तो किसान भज के डाउन जावे भी मैं हंस डा दिया कितने कुदरा ना खा दे। सतगुरु कहिंदे नहीं, इन्हें कुदरा नहीं खाना, ये ते तेरे सगो बागां दे अंदर तेरे खेतों का माण वधाउण लई आया। शायद इन्हां नूं भुलेखा पै गया भी इन्हां दीआं कुर्सियां आपां लैण आए हैं। बोलो भाई, है गया ना भुलेखा भी इन्हां दीआं कुर्सियां लैण दे लई आए हैं। नहीं, असं थोड़िया कुर्सियां लैन नहीं आए, असं तो बापू के 328 स्वरूपों का हिसाब लैन दे नहीं आए हैं। तो भाई सानू हिसाब दे दौ, कि बड़ा काम है। तुम मैं दसो भी ये गल का जवाब इन्हों देना बनता है कि नहीं बनता हूँ। तुम सारे कोई आपका बच्चा लवाउण ते नहीं आए, बोलो भाई, किसी की प्रमोशन करवाउण ते नहीं आए, तो ना ही किसी प्रकार का कोई घपला करन आए हो, कोई कमरियां का रौला आए हो। तुम सारे की आए हो अपने बापू के 328 स्वरूप जिहड़े कहिंदे गायब हो गए। मैनू तो समझ नहीं आती कई बार मैं शब्द किहड़ा वरतां, पर मैं तुहानू एक गल कहां, तुसी साके ननकाने का नाम सुनिया? बोलो भाई, बिना स्पीकर दे आवाज आवे अपनी, साके ननकाने का नाम सुनिया? साका ननकाना मैं तुहानू अगे भी दस चुका भी 2021 दे विच आपां 100 साल मनाउणा। नरैणू महंत ने गोलकां की दुरवरतों की सी, जमीना की दुरवरतों की सी, पर किसे रखे उन्हें भी गुरु ग्रंथ साहब जी के स्वरूप खुरद बुरद नहीं सी कीते। बोलो भी सच है कि नहीं सच? साका ननकाना एस जी पी सी ने छपाया जी, तो यह कितने तुम बाहर जाके लै लिया जे अपने आप क्लीयर हो जाएगा। इस करके छोटा मामला नहीं है। जे इनू मैं इस ढंग दे विच पेश करदे आ, वह भी सुन लवो भी जदों तो सिखी का जन्म होया, जदों तो सिखी का जन्म होया, ये जन्म आप नानक शाही गुरु नानक पातशाह महाराज जी के प्रकाश तो गिणते हैं, बाइबर्थ गिणते हैं। एक चेते रखिया जे गुरु नानक साहब जी के प्रकाश तो लैके अज तक की सब तो वड्डी जिहड़ी बेअदबी है वह 328 स्वरूपां की बेअदबी है। यह हकीकत है, ये तुहानू पता लग जाना चाहिए। इस करके मोर्चा जे लम्मा चलता है तो मैं प्रचारक वीरां नू बेनती करांगा, साडे नाल भाई गुरजंट सिंह जी रूपोवाली सिक्खी लहर तो भी ने, होर सारे बड़े बुलारे आए ने, मैं किहदा किहदा नाम लवां, सारे बड़े प्यारे वीर ने जानते हैं। फिर आपां जिम्मेवारियां सांभणियां ने पिंडां दे विचों संगत नू लिया के, जिमें इस तो पहला बरगाड़ी मोर्चे दे विच आपां जांदे रहे हाँ। आपां तो देखो जी मोर्चियां का समर्थन ही करते हैं ना, बाद विच कोई मोर्चे का मुल वट दे या वखरा, पर मैं इत्थे भी कोई ऐसा शब्द नहीं वरतदा। पर मैनू इस गल का भी आपां जिहड़ा ये मोर्चा लैके जाना है, इस मोर्चे का आपां एक फैसला कुन जंग है भी सानू 328 स्वरूपां का हिसाब दे दिओ। ते दूजे नंबर के उपर जिन्हां ते फौजदारी मुकदमे सी मुकदमे दर्ज कर दिओ, ते उन्हां दे बयान भी लो भी तुहाडे कोलों इह काम किन्ने प्रैशर दे के करवाया, कि तुहाडे आका भी शामिल होने चाहीदे ने। बोलो भी, कितने यह ना ना हो 10 रुपये की कड़ाह प्रसाद वाली परची वाला तो फड़िया जाए, जिहड़ा 10 रुपये की कड़ाह प्रसाद वाली परची वाला फड़िया जाए, तो जिहड़ा 10 लाख का वित्त घपला कर दे वह फड़िया ना जाए। इस करके असीं कहिंदे भी छोटे मुलाजम फड़ो जिन्हां दे नाम लए ने, पर उन्हां दे बयानां दे आधार दे उपर ये देखो भी तुहाडे वड्डे किहड़े विच आउंदे ने। इस करके बई इंज नहीं, जज्बाती होके नहीं चलना, विवेकी होके चलना पैना। जदों विवेक दे विचों लवांगे फैसले तो मेरे ख्याल दे विच मसले कल हो जाणगे। आओ हुण साडे नाल बड़े सत्कारयोग वीर साडी 7 मैंबरी कमेटी दे विचों सरदार तरलोचन सिंह जी सोल, वह तुहाडे नाल कुछ शब्दों की सांझ करनगे। आओ सुनिए, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतिह। गुरमुखो तुसी रख लो, मैं अज तुहाडी इह गल सुन के फिर जावांगा और वीडियो पावांगा तुहाडे नाल, क्योंकि जिहदे नाल धक्का होया हुंदा अगला आउंदा है। अज आपां इत्थे समुंदरी हाल दे सामने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के दफ्तर के सामने
कोई धुप के चाणू नहीं बैठे, एक दर्द लीके उस दर्द न उस गुरु साहब के मसले को लैके उन्होंने कोल आए हाँ जिन्हों की प्यारे वो ड्यूटी बनती ही। जो सियाने कहिंदे आ वाड़ खेत नू खाण लग पवे फिर उस वाड़ का की करना, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह की राखी करनी ही, जिन्होंने माण सत्कार की गल करनी सी, जिन्होंने आपां नू दसना सी कि भाई गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह नू गुरु गोबिंद सच्चे पातशाह ने कलगी तरने गुरता गद्दी दे के सिखां दे गुरु थापिया कि ओ साडे गुरु ने उन्हां दी माण मर्यादा किवें रखनी आ, उन्हां दा माण सत्कार किवें करना, ओ साडी जिहड़ी शहीदां दी बनी हुई संस्था वा उन्होंने सानू दसना सी। पर अफसोस इस गल दा कि प्यारियो गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की छपाई की जाए तो महाराज के पावन स्वरूपां की देख रेख दे विच एडियां वड्डियां कताइयां वरतियां जान, एडी शर्मनाक गल होवे कि सानू पता ना होवे कि गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह के पावन स्वरूप कित्थे ने, कौन लै गया। ये साडे वास्ते बड़ा वड्डा समुचे सिख जगत वास्ते बड़ा वड्डा सवाल आ, गल छोटी नहीं। उस तो भी वड्डी गल गुरु के प्यार वाले संगत आ रही है वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। साढ़े सत्कारयोग वीर पिछे से ज्यों आया आखते हैं सारियां कि मेरे वीर बहुत बहुत वड्डा धन्यवाद, जथा काफिला वड्डा हुंदा जांदा जी है, बहुत वड्डा काफिला। तो इस करके आओ आप सरदार तरलोचन सिंह जी के बचना वाले पासे पूरा ध्यान दईए। जिन्हां दी जिम्मेवारी बनती सी, अफसोस दी गल ए कि असी तुसी नहीं पुछिया, सारे सामने आया 267 सूप पावन सूप सतगुरां दे जिहड़ा के लापता ने पता नहीं लग रहा। उस तो बाद माड़ा पिछे हो जाओ ना भाई जी, हरिमंदर साहब जी तो श्री अकाल तख्त साहब तो आवाज आउंदी आ कि 267 सरूपां तो वध के 328 हो जाने, जां बाहर इंग्लैंड दे विच 450 पावन सरूप भेजने। ये सारे हालात उस तो बाद एक साडी जिम्मेवार संस्था वालों फैसला किया जाना कि जेडे जेडे इस उकताई दे विच जेडे दोषी ने उन्हां ते फौजदारी मुकदमे दर्ज होणगे। ये भी साडी संस्था के जिम्मेवारां ने किया, पर दुख की गल जिन्हां दे नाम दिते सी इन्हां ने, हो सकदा इन्हां नूं उन्हां ने कुछ कहा होवे कि भाई जे तुसीं साडे नाल लैंदे आ ते जेड़े साडे को कराउण वाले असी उन्हां दे नां लवांगे। इन्हां ने इस चीज़ नूं विचार के अपनी मर्जी दे नाल उन्हां नूं सजावां देण दा मन बना लिया, फैसला कर लिया। बैजो आजो यार सर, अज सिख कौम गुरमुख प्यारे गुरु साहब दे माण सत्कार नूं मुख रखदे होए आपां इत्थे अज इन्हां नूं पुछण वास्ते आए हां। सानू हुणे श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों दस्या जावे संगत नूं, साडी तसल्ली कराई जावे इन्हां संगतां दी गुरमुख प्यारियां दी। एक किरती सिंह ने सारे ये अपनी किरत दे विचों समां कढ के आए ने। ए सिंघो गुरमुख प्यारियो महसूस करियो कोई वड्डी संपर्दा नहीं आई,
क्योंकि ये महसूस करो कि गुरु साहब तुहाडे कल्या दे ने जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश करके वड्डे वड्डे थावां ते गुरु साहब की कार भेटा लैके वड्डियां वड्डियां गड्डियां चलाउण वाले जां ये जिहड़े वेरे वीर दफ्तर च बैठे आ पायलट गड्डियां गाड़ी ला के गुरु के जिहड़ा ताणे आ जिहदे ते आप ऐस प्रस्तियां करके एसी वालियां कमरियां दे विच बैठ के वो गुरु की गल नहीं कर रहा है। गुरु साहब नूं इत्थों तक कर दिता गया है। महसूस करके वेखियो गुरु साहबां दे पावन सरूप बहु गिनती च छाप के जिवें कि पता ही नहीं भी कौन कित्थे लै गया इन्नी वाधू गल कर दित्ती। एक बड़ी शर्मनाक गल आ क्योंकि कोई भी चीज़ जिहड़ी हद तों वध जां असीं उहदे ते कोई कंट्रोल कोई तरीका कोई उहदे ते असीं विचार नहीं करदे ते इह अक्सर मुद्दे सामने आउंदे ने। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पोथियां दे गुरके साहब तुसीं प्यारे हो वेख सकदे जे भाजी मोबाइल ना करो दुकानां भरियां पईआं वा मैं देखियो ट्रकां दे ट्रक गुरबाणी दे कईआं थावां ते गुरु साहब दे गुरका साहब भाजी एहसास कराउण वास्ते इत्थे आए आ कि असीं तुहाडी जिम्मेवारी बणदी आ संस्था दी। तुसीं सानूं दस दिओ तुसीं हुण ही सानूं दस दिओ कि वह पावन सरूप कित्थे ने वह किन्हां नूं दित्ते गए ने जिन्हां ने कताई कीती आ उन्हां दे मुकदमा दर्ज कर दिओगे ते आउण वाले समय च साडा विश्वास उठ चुका वा जिन्ना चिर गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दीआं पावन सूतियां छपाई करन वालियां प्रिस्तां वा उह जिन्ना चिर संगत बुद्धिजीवी लोक उह फैसला नहीं कर लैंदे उन्हां दी तसल्ली नहीं हुंदी उन्हां चिर इह बंद कीतियां जाण। जिहड़ा श्री अकाल तख्त साहब तो पिछले समय सिंह साहब रणजीत सिंह जी के समय से एक हुक्मनामा जारी हुंदा कि जिहड़ियां प्रिसा ने बाहर पोतियां गुरके साहब के गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह के पावन सरूप छाप दियां बंद कीतियां जाण। जे ते इस संस्था ने उन्हां नूं बंद कराया अज की हो रहा गुरके साहब के पोतियां ते मशहूरियां कीतियां जा रही अपनी मर्जी नाल छापे जा रहे आ। कोई गुरु ग्रंथ साहब की गल उठाउण वाला कोई नहीं जिन्हां दी जिम्मेवारी बनती आ वो इतों भज चुके आ उन्होंने बाहर तो की जिम्मेवारी निभानी आ होर तो प्रेस वाले किसी नूं की कहना उन्हां दी खुद ही अपनी प्रेस जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह की छपाई करती आ जां पोथियां दे गुरके साहिब की छपाई करती आ वो भी डावांडोल आ। इन्हां नूं पता नहीं इन्हां नूं सारियां गल्लां दा पता कि साडा किन्ना पैसा कित्थों आउंदा साडी श्रोमणी कमेटी की जमीन कि दूजे डेरे वाले ने जिहड़ा उह अहीं छड़ाउणी किवें आ उहनां सारियां गल्लां दे पता पर गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे माण सत्कार वास्ते पावन सूबां वास्ते इहनां नूं कोई पता नहीं उह इहनां कोल जवाब लैण वास्ते आपां इत्थे आए हाँ। इन्नियां क बेनतियां करदा खिमां दा जाचकां वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਥਿਆਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सिंगो कैमो आवाज कटो वाहेगुरु जी का खालसा। ਮੈਂਬਰੀ ਕੋਈ ਆਓ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹੀ ਆਗੂ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਸਣੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਇਕਾਗਰਤਾ ਪੂਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਵੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਵੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਵੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੇ ਵਿਵੇਕੀ ਹੋ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਕੀ ਜੀ ਲਾ ਪਤਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਪਤਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਲਾ ਪਤਾ ਨੇ ਲਾ ਪਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਆਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਤਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਈ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਲਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਪਤਾ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸੋ ਆਓ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਲਮ ਇਹ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਰਾਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਦਿਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਜੀ ਔਰ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਲਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੂਪੋਵਾਲੀ ਸਿੱਖੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੋ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਮੁਬਾਰਕ ਬਈ ਬੋਲੋ ਬਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ 'ਚੋਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਬੜੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਆਓ ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੂਪੋਵਾਲੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਆਪਾਂ ਢਿੱਲੇ ਆ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵੀਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਉਦਾਹਰਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਸਲਾਂ ਸਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦੁਸ਼ਟ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਟਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪੋਥੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਟਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰ ਆਣ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਉੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਤੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁੜ ਨਾ ਕਵੇ ਭੇਲੀ ਕਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਗੁੜ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੇਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀੜੇ ਪੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਗਿਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਉਹ 328 ਸਰੂਪ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿਰ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ
उन्होंने नौकरियों का डरावा दे के जिमें पहला किया गया तो उन्होंने ना भी सामने रख दे के फलाने घर में सूख गया फलाने डेरे के गया वह भी हिसाब दिता जा सकता चाहिए तो यह है कि किन्हां ने दवाए वह सरूप कित्थे चले गए किवें चले गए ये तो अजे अपने मूँह इन्होंने गल कही आ धन्यवाद है भाई हरप्रीत सिंह होना का जथेदार का जिन्होंने ये जड़ा काम किया कि 328 सरूपों तक तो गल ले आँगी पर उन्होंने आप ही एक इंटरव्यू के गल कही है कि जे इसका हिसाब ना दिता गया तो मैं ये सारा कुछ छड देवगा तो उन्होंने सामने भी यह चुनौती है सवाल आ कि जे उन्होंने पता लग गया उन्होंने सामने सारी रिपोर्ट आ तो फिर हूँ उन्होंने अगला फर्ज भी बनता कि वह दसे जाने के किड़े किड़े बंदे ने दूसरी गल सरदार रूप सिंह मुख सकत्र उन्होंने कहा कि नैतिकता के आधार से उन्होंने अस्तीफा दे दिता पता उन्होंने सारा कुछ ही कि उन्होंने भी गुरु का वास्ता कि वह भी सच्चे सिख वांग सामने आन के जोड़ा सच झूठ आ वह संगत के सामने रख दे तो अज का जोड़ा इकट्ठ आ जिन्हिया भी जथेबंदियां जिन्हें भी पंथ दर्दी वीर आए आ सबना जी आया तो धन्यवाद आ वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह दो बारी ना कहना पिया करे वाहेगुरू जी का खालसा। मेरी बुलारे की ड्यूटी होंगी भी शाम तक संगत का जोश भी नहीं मठा पैन देना तो मैं तुम्हें हिस्ट्री भी नाल नाल सुनाउंदा जावांगा जानकारियां देंदा जावांगा जिहड़ियां कुरीतियां होईयां ने वड्डियां संस्थावां वल्लों वह भी सारियां नशर करदा जावांगा। बड़ी खुशी हुई भी गुरु नानक की बगीची के सारे फुल बड़े खिड़े ने तो किसी ने पूछा सी गुरु नानक का घर केड़ा कहते जिदा खुला बेड़ा बोलो भी सच है ना गुरु नानक का घर केड़ा जिदा खुला बेड़ा ये बड़ा बेड़ा खुला है ये सारे ही आ जाते हैं गुरु नानक अपने कलावे के लै लेंगे ने धन्यवादियाँ सारिया जथेबंदियों का सबना का साढ़े को बुलारे बड़े ने शख्सियत बड़िया ने पर एक छोटी जी बेनती करते हैं जे कोई सानू एक बार फिर सुन लो जे कोई सानू थानू इतने कमजोर समझे निम्रता कमजोरी ना समझा जाए मैं खास करके श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो साढ़े पुराने मुलाजम ने मैं बड़ियां भी एक बेनती करनी चाहना वा जे सारे तो उत्ते ने साड़ी निम्रता कमजोरी ना कोई समझ लवे बोलो भी निम्रता जे किसी भुलेखा हो बड़े आराम कढ़ सकते ने बुंगा रामगढ़िया के बिच तुहानू सभना नू पता है भी दिल्ली का तख्त पिया होया वो पत्थर पिया होया कई मन में ख्याल आएगा भी किहड़ा पत्थर है। मैं थोड़े शब्दों में बेनती करते हैं क्योंकि असं हूँ पिंडों के संगत लै लैके भी आया करना फिर तुहानू दसना है दिल्ली के तख्त नाल साडा रेड़का पिया सी ते सिखां ने कहा सी भी इंज करो आपां तख्त नू घड़ीस के लै आवांगे आखिरकार समा आण बजा तख्त घड़ीसिया गया चुक के नहीं लैके आए घोड़िया मगर पा के घड़ीस के लैके आए जिथे बांह डिगदी है डिगे जिथे उहदी लत्त डिगदी है डिगे जदों इत्थे तक आया तो सिर्फ एक पत्थर की लंबी सिला तक रह गई सी ते जदों अंदर लगे ना लियाउण ते सिंघां दी आवाज़ आई मैं कहना एड्डी चढ़दी कला वाले सी सिंघां दी अंदरों आवाज़ आई कह लगे खालसा जी परिक्रमा तो अंदर नहीं लेके आना वो कहिंदे क्यों कहिंदे क्योंकि अंदर अकाल दा तख्त है ते अकाल दे तख्त दे सामने दिल्ली दे तख्त की कोई औकात नहीं। वेले की गल है मुगल कार वेले की गल है ते अज भी तख्त पिया होया सानू इस गल की गवाही दिंदा भी असीं तख्तां वाले हाँ सिख धर्म आदर्शवादी है सिख धर्म सिद्धांतवादी है। आओ होर बड़े अपने को बुलारे ने मैं ज्यादा समा ना लवा तो मैं चाहवांगा भी बाकी सारे बुलारे साडे बड़े प्यारे वीर भाई लहणा सिंह जी वह भी आए ने भाई बरजिंदर सिंह जी परवाना जी आए ने बड़िया शख्सियत ने भाई हरपाल सिंह जी मखू जी आए ने सबना का धन्यवाद करता वा तो अगला किहड़ा बुलारा आएगा जी भाई लहणा सिंह जी तुहाडे नाल कुछ विचार की सांझ रखणगे आओ श्रवण करते हैं वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। अज इत्थे सारियां संगतां धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दे जो सरूप श्रोमणी कमेटी की नलैकी करके अज साडे विचों लापता ने
और सानू पता नहीं चल रहा भी वो महाराज साहब जी के स्वरूप कितने ने और ये दसना भी गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के स्वरूप किनू दिते ने किहदे कोल ने और इस वेले उन्हां पावन स्वरूपां की सांभ संभाल सत्कार किवें चल रहा है वो जिहड़ा दसना है वो जिहड़ी जिम्मेवारी है वो जिहड़ी ड्यूटी है वो है श्रोमणी कमेटी दी इन्हां नूं दसना पवेगा। पहली गल तो मैं बेनती करदा एडा वड्डा निरादर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी का होया बंदा अपने घरों एक निक्की जी चीज़ नहीं गैब होण दिंदा पर जे कितें उहनूं पता लग जाए तो उस वेले प्राप्त कर लैंदा नहीं तो उहदी सूह जरूर कढ लैंदा भी उह कित्थे आ। पर 328 श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी के स्वरूप गैब होए होण और ये बंदे इन्नी बेशर्मी दे नाल प्रेस कॉन्फ्रेंसा कर वेखो इतों पता पता की लगता है भी इन्हां दे दिल विच गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के प्रति कोई सत्कार नहीं इन्हां दा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे नाल कोई लगा नहीं और ये प्रूफ ने मीडिया दे विच भी कदी ये प्रेयर करते ने भावें मैं बेनती करदा भी सिख धर्म सारियां दा ही सत्कार करता है हरेक धर्म का सत्कार करता है क्योंकि साढ़े सामने सचखंड श्री हरिमंदर साहब उतों आवाज़ ही ये आती है अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे पर फिर भी एक सिख होने के नाते और एक सिखां दी सरमौर संस्था के आगू होने के नाते इन्हां दियां ये वीडियो वायरल होईयां ने और कहा जाता है भी ये सरसे वाले दे भी चेले ने इस करके इन्हां नूं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के स्वरूप गैब होने दे नाल वाकया ही कोई मतलब नहीं जे है क्योंकि ये किडे तानाशाही रवैये दे नाल इन्हां ने एक उलामा दिता जिहड़ियां जथेबंदियां सत्कार कमेटियां जिन्हें रात श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के स्वरूप के बाबत महाराज जी के सत्कार लई पिंडो पिंड थां थां जिथे भी किते लगता है उत्थे जा के सेवावां करदियां ने और वो निजी तौर पर सारियां सेवावां करदियां ने और इहदे विच उहनां नूं कई तरह दियां जिलणां भी कई तरीकों के उन्होंने उपर परचे भी होंगे ने तभी चलते ने सारे कीर्ति सिख ने ते इस बंदे ने बजाए नैतिकता के आधार से अपना अस्तीफा दे इस बंदे ने एक उलामा दिता भी तुसी भी दसो कित्थे है असी बेनती करांगे भी सत्कार कमेटियां ते दस सकदियां ने क्योंकि वो जेडे जिथों भी कितने गुरु साहब के स्वरूप लैके आते हैं जां ते किसे गुरु घर दे विच सुशोभित करते हैं जां किसे गुरमुख प्यारे जिथे कितने संगत नूं जरूरत होवे उत्थे दे दिंदे होणगे पर इह ते एक दिन हिसाब दिता जाएगा पर तुहाडे कोलों पूरा पंथ जिहड़ा है वो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के स्वरूपां दा हिसाब मंग रहा तुसीं क्यों नहीं दे रहे कारण की है। बेनती यह है भी इन्होंने ये बड़ा वड्डा घपला किया है गुरु दे नाल इन्होंने मत्था लाया है असीं इन्हां नूं बेनती करदे हां अजे भी समा हैगा जे तुसीं इदां करो भी गुरु दे अगे अपना समर्पण करके पंथ दे अगे जे कोई नीवा होवे ते उच्चा हो जांदा जे पंथ दे अगे नीवा होना अपने आप की बेइज्जती ना महसूस करो जे तुसीं ना दोषी पाए गए तो तुसीं फिर बड़े सन्मान नाल अपने अहुदियां ते चली जाना है इस करके आ सारा पंथ जिहड़ा आ निक्की जी गिणती ना समझी जावे इन्हां नूं बेनती मैं अगे इत्थों भी बेनती सुन रहा सी भी इह ना तुसीं समझियो भी ये थोड़े जे जाने आ ये तुहाडी मर्जी है भी तुसीं इन्नी क बेइज्जती दे नाल ही सबर करना जां बहुत वड्डी करवाउणी चाहुंदे हो अपनी इत्थे सारा पंथ इकट्ठा होना है एक दिन इस करके बेनती है ये सारिया संगतां गुरु साहब जी के स्वरूप का हिसाब लैण वास्ते आईयां तुहाडी जिम्मेवारी बनती है तुहाडा फर्ज बनता है गुरु पंथ के अगे अपनी जवाबदेही करो। वाहिगुरू जी का खालसा। धन्यवाद भाई लहणा सिंह जी जो दमदमी टकसाल तो सन अगले विचार तुहाडे नाल भाई बलवंत सिंह जी गोपाला सिख यूथ फाउंडेशन वो तुहाडे नाल सांझे करनगे जी। वाहिगुरू जी का खालसा। गुरु सवारे खालसा जी गर्जवी आवाज विच फतेह दा जवाब दिओ कि
यह एहसास कराया जाए कि असी किस भावना नाल किस मकसद दे नाल अपने इस पवित्र स्थान ते केंद्रीय स्थान श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे मुख दफ्तर तेजा सिंह समुंदरी हाल दे अगे बैठन लई क्यों मजबूर होया। खालसा जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी। बेनती यह है कि गल बहुत वड्डी आ, धर्म की संस्था जिसनू पूरे सिख जगत वालों वोटा पा के होंद विच लिआंदा जावे कि यह धर्म का प्रबंध चलाऊगी ते सिखां नू जदों भी कोई सिख कौम ते कोई भीड़ पैंदी है कोई किसे गुरधाम दे विच कोई पंचखामी घटना वापर जांदी है खालसे पंथ विच कोई मतभेद पैदा हुंदे आ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਰੋ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਉਸ ਧਰਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ उस केंद्रीय स्थान दे विचों अगे कहिए कि यारो धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दे एक नहीं दो नहीं 328 सरूप वो कह लापता हो गए है कहानी किधर नूं चले जाती है ये गल हजम नहीं होंदी पंथ नूं जिन्नी देर तक खालसा पंथ इन्हां दे मूँह चों वो गल बर सुन नहीं लैंदा कि वह सरूप रखे कित्थे ने वो सानू दसिया जावे। खालसा जी दूजी गल ये है ये साडे भरा ये दसदे आ ते आपां सारिआं ने तकरीबन इत्थे एक बस खड़ी होंदी सी उत्ते लिखिआ हुंदा श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वो नीले रंग की बस ਇਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਬੱਸ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮਾਡਲ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਉਹ 6-7 ਮਾਡਲ ਬੱਸ ਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 13-14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਉਸ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 450 ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਉਹ ਬੱਸ ਭਰ ਕੇ ਕੰਟੇਨਰ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਪ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਣ ਮੈਂਬਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਣ ਰਿਕਾਰਡ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਰਜ ਉਸਦਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਉਸ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਨਾਲ 5 ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਿੰਘੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ 450 ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਉਸ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਟਾਕਸ ਫੋਰਸ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤੂ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਟਾਕਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹ 450 ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ
किन्ने पांच प्यारियां दे जथे की मौजूद सी ओ बस चले गई ते उथे जाके वापरिया की ओ बस लवारस हो गई। ये गल्लां सच्चियां ये कनेडा दी संगत भी दस सकदी है। मैं झूठा वां तां मैनू भी सजा दिओ, हो सकदा मैं झूठा वां किसे गल दे विच, पर उत्थे किसी सिख ने वेखी कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के सरूप ने जो बस खोली गई गुरु घर चली गई कि वह समुंदर की जड़िया भाफा उड़दियां ने नाल जा समुंदरी तट का इलाका होने करके वह श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन स्वरूप सिले हो गए। यारो किते को गल करन वाली तो है ही नहीं रही नहीं। अज असी इत्थे इत्थे असी इन्हां सवालां दा जवाब मंगणा आ। जे श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रधान साहब ने विदेश जाना होवे उहदे लई सारा प्रबंध इत्थों कीता जांदा है, किन्ने मुलाजम उहनां नूं उत्थों तक एयरपोर्ट तक लै के जांदे आ, किन्नी संगत अगों उहनां दे प्रबंध वास्ते आओ भगत लई किन्नियां गुरद्वारा प्रबंधक कमेटियां दे मैंबर साहिबान प्रधान साहिबान सरोपे पा के सेहरिया के नाल सन्मान नाल जकारियां दी गूंद विच एक संस्था के प्रधान नूं लैके जाया जा सकता है। तो फिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप लवारस क्यों हो जाते हैं? जे एक बहुत वड्डा उदारा है, इस दे विच बहुत कुछ आउंदा है, 10,000 करोड़ रुपये तो उपर का बजट होना है लगभग, इस तो वधेरे होवे ते कहा नहीं जा सकता। अंकड़ियां दे मुताबिक ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी बड़ी चंगी तरह वेरवे नाल दस सकदे आ, उही बन गया जी 10,000 करोड़ इन्ना ही बनता। तो इहदे विच जे इस सिस्टम दे विच एक एक चीज़ ज्ञानी जी उन्होंने आख्या दसिया सी कि एक साबण की टिक्की भी लैनी पवे तो वह जाके ना उन्होंने जिहड़ा स्टोर कीपर कोलों प्रवानगी लैनी पैंदी रागी सिंघां नूं ज्ञानी सिंघां नूं ग्रंथी सिंघां नूं ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਬਣ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਣਾ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਮਾਤੜ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਕਟਾਈ ਭਲੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੋ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਸਰਿਆ ਤੋ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਗਿਣਦੇ ਆ ਕਈ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ 500 ਕੋਈ 1000 ਰੁਪਈਆ ਕਿਤੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਉਂਗਲ ਤੇ ਛਾਪ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਛਾਪ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗੋਲ ਕੇ ਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਈ ਆ ਕੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਵਾਪਰਿਆ ਜੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਇਆ ਫੜੀ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਆ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਝੂੰਬਰ ਅਤੇ ਛੱਬੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 8-9 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਵਾਲਾ ਸਮੇਤ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਪੁੱਛਣਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਨਜਿੱਠ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕਿਉਂ ਨਜਿੱਠ ਲਓਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸੀਅਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਆ ਮੈਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਜਾਣਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਹੰਢਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਡੇਲੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਉਹ ਲਾਈਵ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਪੀ ਟੀ ਸੀ ਚੈਨਲ ਆ ਅਤੇ ਪੀ ਟੀ ਸੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕੀ 'ਤੇ ਆ ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਆ ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਉਸ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ
पीटीसी तो सवाए किसी भी लाइव करने का कोई हक नहीं, क्योंकि पीटीसी की निजी संपत्ति है। हद हो गई वो यार, तुहानू की पंथ ने अकाली दल की प्रधानगी देती, तुहाडे कोल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी देती, तो तुसी धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हुक्मनामे नू अपनी निजी प्रॉपर्टी बना लवो। ये गल्लां सारा मीडिया जानता, सारा पंथ जानता, विद्वान जानते हैं। भाई हरप्रीत सिंह जी गोसा जी दसो, बड़ा रौला पिया, चर्चा हो, इसका रौला पिया है। अज जे पंथ इत्थे आया दुख नाल आए हैं, इत्थे साडा तां फर्ज बनता सी जे साडे घर कोई घटना पिंडां च वापरदी, असी झोली अड के इत्थे गरीब सिख निमाणे सिख हो के भावना नाल इत्थे चल के आउंदे कि खालसा जी श्रोमणी कमेटी श्री अकाल तख्त साहिब अगे पंथ अगे भी असी खिमा जाचना करना आए हैं, भुल चुक हो गई है, पंथ माफ़ करे, धर्म की वड्डी संस्था माफ़ कर देवे। पर जे इत्थे हो गई आ ते इन्हां नूं किन्ने पुछना, ये भी खालसा जी हुण तुसीं दस दिओ। ये पंथ नूं अधिकार है, तुसीं उस जगह ते खड़े हो जिथों फैसले होंदे है, उस दरवाजे ते खड़ गए हो, बैठ गए हो। अब तो जरे मरे सिद पाई है लीनो हाथ संधौरा, हुण तो ये जिहड़ी गल है ये सिंघो ये इंसाफ लैण दी नहीं। 11 साल नहीं, पता नहीं किन्ने, 2011 दी ते अज बहुत समा हो गया, इलैक्शन ही नहीं होई, बहुत कुछ वापरना होने वाला है, सुधार होने वाले ने। असी तो सच्चे ढंग की उम्मीद रख के आए हैं। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी के जेडे स्वरूप इतों ये कह रहे हैं लापता हो, गुरु कभी लापता तो नहीं हुंदा, पर इन्हां दी जबानी है, असी ये चीज़ पूछण आए हैं। इहदा हिसाब मंगदा पंथ, तो उन्नी देर तक पंथ इत्थे डटिया जिनी देर तक कौम नूं जवाब नहीं, सानूं नहीं कौम नूं जवाब दे। हुण खालसा जी मैं बहुता कुछ ना बोलता होया, इन्नियां ही बेनतियां करता होया समुची संगत तों, कोई वध घट लफ्ज़ गुरु रामदास पातशाह जी चरणा विच बोल गया होवां तां खिमा दा खिमा करना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत संगत जी, तुसी सवेर तो अनेकां बुलारियां नूं सुन रहे हो, सत संगत जी तुसी सवेर तो अनेकां बुलारियां नूं सुन रहे हो, और मैनूं इस गल की खुशी है भी साडे विच माई भागो दीआं वारसां साडीआं सत्कारयोग भैणां भी शामिल हो रही ने। यह मैनूं बड़ी दिलों खुशी है, साडीआं भैणां भी अपना योगदान पा रही ने। देखो बार बार गल फिर उत्थे ही आउणी है भी देखो जी, असीं दोषियां नूं कहते रहे हां भी सजावां देंगे, सिखो ध्यान दिओ पूरा विचार वाले पासे, ये फैसला आपां लैणा है। बार बार उन्होंने इको गल कही जानी है भी देखो असीं कहते रहे हां भी दोषियों नूं सजावां असीं देंगे, तो असीं कानून ते भरोसा नहीं रखते। वो मैं पहला भी कह चुका वा भी प्रधान जी जिहड़े तुसीं बाडीगार्ड रखे ने तुहानूं कानून ने दिते है, किन्हां ने दिते है बोलो भाई, सच है कानून ने दिते है। दूजे नंबर पर मैनूं ये दसो भी गुरद्वारा एक्ट जिहड़ा आ उह कानून के दायरे में चलता पिया, जिन्हें तुम बैठे हो जो तुम कहो ना भी असं इलैक्शन करवाना है, तो मैं तुम्हें बकायदा मीडिया में कह रहा इलैक्शन नहीं करवा सकते जिनी देर तक सेंटर तुम्हें प्रवानगी नहीं देता, क्योंकि तुहाडा गुरुद्वारा एक्ट अंग्रेजों के वेले का बनया हुआ है, दोबारा वो कुछ सोधा एडे वे पद्धर दिया नहीं हुई। हूँ इन्हों पुछा जाए भी ये केंद्र तो हैं सजावं असी देंगे कानून तो भरोसा नहीं, पर मैं पूछना चाहना भी जेडे बाडीगार्ड दते ने कानून ने दते है, तो नंबर दो के उपर आ कल परसों दल ने तुसी सारे मीडिया से एक बयान सुनिया, आवाज़ ना आवे, सारे मीडिया से एक बयान सुनिया है, वह बयान की है सुनो सारे हुण ध्यान दे नाल, भी असी बीबा हरसिमरत कौर बादल जी का धन्नवाद करते हैं जिन्होंने एड्डी वड्डी जिम्मेवारी संभाली। इन्हां दे बयान ने कितों मेरा बयान ना समझ लिया जे भराओ, क्योंकि खालसा पंथ मैं कई बार वेख्या जज्बाती ज़्यादा होकर चल पैंदा, मैं पहला दस दिया दाहे जी धन्नवाद करते हैं जिन्होंने सानू गृह मंत्रालय तो प्रवानगी लैके दिती, तो हुण सिख संगत विदेशों तो पैसा भेज सकती है। वो मैनू दसो भी एक पासे तुसी कहिंदे कानूनी कार्रवाई नहीं, तो दूजे पासे तुसी सारा काम कानून के दायरे में करते पे हो, आ भी काम कानूनी दायरे में करो, तो जे तुसी कहो भी सजावां असी आप देनिया ने, तो मैनू तुसी एक गल दसो भी मैं करा कतल, हुण ते प्रशासनिक अधिकारी भी आए ने अपने कोल, CID वाले वीर भी होणगे विच, मैं कर दिया मान लो कोई कतल, तो मैं जज साहब के सामने खलो के कहां जज साहब सज़ा नहीं तुसी लिखनी, अपनी सज़ा मैं आप मुकर्रर करांगा, बोलो हो सकता जी, मुजरम कभी अपनी सज़ा मुकर्रर करता है? हुण ये मुजरम ने 328 सवरूपां दा हिसाब देना है, तो की कहिंदे ने असी आप सज़ा नियुक्त करांगे।
नहीं बई तुसी सजा नियुक्त नहीं करोगे। हकीकत यह खालसा पंथ अपना जिहड़ा डंडा है ना वो तुहाडे सिर दे उत्ते रखेगा। तुसी सेवादार बन के अपनियां सेवावां प्रदान करो ना कि तुसी अपने आप नूं प्रधान समझो। तो आओ इन्हां कुछ कहिंदा खिमा दा जाचक बड़े अपने कोल बुलाए ने पर थोड़ा जिहा समां तुसी बोलना चाहो। वीर दिलबाग सिंह जी तुहाडे नाल सांझा पाउंदे ने, आओ वीर दिलबाग सिंह जी तुहाडे नाल दो शब्दां दी सांझ पाउंदे ने, श्रवण करो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह। माइक दे दो दिलबाग सिंह नूं दे दो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह। फड़ लो माइक आप फड़ लो। साध संगत जी ध्यान नाल सुनो गल सारे। वाहेगुरु ध्यान दे के जरा गल सुनियो। प्रशासन वालों तो श्रोमणी कमेटी के मैंबर वालों सुनेहा आया कि साढ़े ना गुरमता जरा एक बार बह के तुसी सत मैंबर जिहड़े वो करो। ये जरा गुरमता करना वा कल्या नहीं असी करना, अं तुहाडे को इजाजत लेके करना वा। तो तुहानू आगे दसना जे तुसी प्रवानगी दोगे तो फिर वो जरा मता किस बन्ने लगेगा कि संगत सानू आग्या देंदी जान दी कि आपां गुरमता कर सकते हैं। सानू इजाजत देंदी है सख्त। जकारा बोल के फिर बहुत बहुत धन्यवाद संगत का जिहड़ा इन्ना विश्वास साडे कुकरां ते कीता तुसीं। ते जो भी फैसला संगत अगे रखांगे वो सारा जिहड़ा वा वो तुहाडा संगत दा ही होवेगा। जो फैसला संगत करेगी उस हिसाब नाल ही आपां जिहड़ा वा ओह रिजल्ट कढ़ांगे जी। भाई साहब नाल करो गल। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਗੱਜ ਕੇ ਪਲਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਜਾ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਆ, ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਕਰੋ। ਕਿਰਪਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ। ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਆ अधिकारियों दे उत्ते जिन्हां तों उन्हां दे अपनी जिम्मेवारी नूं नहीं निभाया और जिम्मेवारी नहीं निभाउंदे कारण जिहड़ा असीं फौजदारी केस की मंग रखनी अंदर, क्योंकि प्रशासन भी बैठा है। एक बहुत वड्डा होर मुद्दा आ सकदे कि जिहड़ियां प्रेसा दे विच धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब धड़ाधड़ छापी जा रहे ने वो जिहड़ी छपाई आ जिन्ना चिर इत्थे प्रेस श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दी आ जिन्ना चिर सारे पंजाब दे विच आइडेंटिफाई नहीं करदे सूबा नूं वी किन्ने किन्ने किथे पए आ उहना दी गिनती करके जिहड़ी आ सानूं अजे महाराज दे सूबा दी छपाई दी लोड़ नहीं। जिहड़े पए आ असीं उहना दी संभाल ही कर लईए। एक असीं पता इह रखणा वा गुरद्वारे साहिबां दी पुस्तकां दी बहुत बेदबी हो रही आ। खालसा जी असीं पालकियां साहिब लद लद के पोथियां दी कालजां दे विचों लिआए आ, बड़ा दुखांत वड्डा और जिहड़ियां असीं जिद्दां दे विच इहनां नूं बड़ी वधिया एप्लीकेशन दित्तियां पर कारवाई नहीं होई। अंतरिम कमेटी सब तों वध दोषी अंतरिम कमेटी जिहड़ियां साहिब लैणे ने जिहड़ियां दूजियां कमेटियां आपणा प्रेसा बाहरों छाप रहियां उहनां दे पूर्ण तौर ते ये श्रोमणी कमेटी जिहड़ी आ उह एक्शन करे ते उह प्रेसा जिहड़ियां बंद कीतियां जाण, भावें उह इन्हां दी होवे चतरे दी चाहे होर कई बंदे जिहड़े छाप रहे आ उहनां ते वी पूर्ण होर वी है जिहड़े फैसले उत्थे असीं अपने रखणे आ सारे आले। केवल इह ना समझो कि असीं तेवर ते गल करके आ गए ते असीं भाई आ के असीं संगत दे देनदार आ। अज बहुत नराशता बल्ले पै गई आ संगत दे। असीं अपनियां जिहड़ियां गल्लां उहनां दे गाड़ी रखणियां वा उहनां दीआं गल्लां सुण के असीं तुहाडे कोल आउणा वा। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਢਾਡੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੰਨਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਜਣ ਕੀਤਾ ਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੱਟ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਹੋ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ
ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਬਣਾ ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗ ਤੇ ਹੁਣ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲਗਾ ਕਰਨ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਜਨਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 7 ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਰੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਪਰ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ 7 ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਬੋਲੋ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ 7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਛਲ ਜੀ ਨੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਸਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਭਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗੇ ਵੀ ਆ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿਰਤੀ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਲਾਰੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਚਲੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਬਲਾਰੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਬਲਾਰੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਜੀ ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਆ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਪਰ ਬੈਠੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਿਰਨਾ ਤਜੱਤੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅੰਤਮ ਸ਼ੋਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਆਪੜਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਲਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਹਾਂ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਬਣਾਏ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਜਿਹੜੇ 7 ਆਗੂ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਪੱਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਤੇਰਾ ਤੇ ਰੱਖੇ ਜੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕੱਲਾ ਉਦੋਂ ਤੇਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ 7 ਆਗੂ ਆਪਾਂ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕਰਨੀ ਹੋ ਪੈਣੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਦੇਣਗੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਆ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਆ ਮੋਰਚਾ ਲੰਮਾ ਚੱਲੇਗਾ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਲਗਾ ਕਰਨ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਦਿਓਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਪੀਤੇ ਰਹੇਗਾ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਕਮਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਦਵਾਉਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਲੋ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਜੀ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਾਏ ਨਾ ਕਰਦੀ ਆ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਬੈਠੋ